If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik और आज जो recipe मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है homemade chicken spread की और ये बहुत simple है, बहुत easy है. इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 tablespoon के बराबर lemon juice या आप सिरका भी ले सकते हैं. इसके अलावा आपको चाहिए होगी 1/2 teaspoon के बराबर नमक, 1 tablespoon के बराबर चीनी और थोड़ी सी आपको chicken चाहिए होगी shred की हुई. आप chicken chest piece भी ले सकते हैं और boneless भी ले सकते हैं. इसके अलावा आपको 1 अदद अंडा चाहिए, आपको 1/2 cup oil चाहिए cooking oil, इसके अलावा आपको चाहिए 1/2 टीस्पून काली मिर्च. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को. ऑलराइट फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अंडा जो है वो ब्लेंडर के अंदर डाल दिया है. इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस या आप सिरका भी डाल सकते हैं. इसके बाद मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी और इसके बाद मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक. नमक के डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल और इसे बंद करके ब्लेंड कर दूंगी. दो मिनट हो चुके हैं और दो मिनट के बाद ये टेक्सचर हमारा निकल के आया है. अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्च. काली मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन के पीसेस और अब इसको दोबारा से मज़ीद ब्लेंड करूंगी और फिर आपको इसकी टेक्सचर जो है वो आपको दिखाऊंगी. ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने इसको जो है वो प्याली में निकाल लिया है. आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना रिच और कितना क्रीमी है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये चिकन स्प्रेड बनाना आ गया होगा. अगर आप मेयोनीज बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है चिकन ना डालिए और सिंपल मेयोनीज की रेसिपी है वो. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी. अगर आपको ये रेसिपी वाकई में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.